तो सबसे बड़ा काम हमने कहा या सामाजिक न्याय का नारा ही नहीं दिया बल्कि गरीबों को उठाने का काम किया। खाट पर लोग नहीं बैठने देते थे, कान पकड़ के बस से उठा दिया जाता था। ये स्थिति थी हमारे बाप दादों का जो अपमान होता था। ये रोटी आजादी के बाद रोटी एक प्लेट तवा पर जल रही थी, उस रोटी को मैंने गरीबों के आराम के सहारे उस रोटी को पलट दिया। हमने पलट देना ही मेरा अपराध हो गया लोगों की नजर में। लालू जी, लालू तो सबको निर्भीक बना दिया, मान से सबको निकाल दिया, तो कहां भी रुकने वाले लोग हैं। और हमारा ये लालटेन है, हरिकेन लैंप, इसका नाम अंग्रेजी में तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हरिकेन लैंप। ये हम लोग को मिला, बाकी तो पहले कप प्लेट पर भी हम लोग लड़े हैं, भिन्न भिन्न चिन्हों पर मैं लड़ाई ले रहा हूँ। तो हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक होकर के, एकजुट होकर के, जो यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया, इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से, बल से, एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। लालटेन जो रोशनी का चिन्ह है, ढूंढ करके लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता पर रख रहे हैं। मैं बिहार में मुख्यमंत्री बना तो लोगों को जगाया ही नहीं। पढ़ो लिखो, अपने अधिकार को समझो, लोकतंत्र में गरीबों का राज माना जाता है, खोद का राज गरीबों का राज माना जाता है। और गरीब के राज को आज सब गरीब आदमी एकजुट है और किसी के बहकावे में नहीं है, और एकजुट होकर के सत्ता पर फिर दूसरे को आने देना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, रिजल्ट आया 75 MLA है ना, 75 विधायक जीते, बाकी को हरा दिया। तो हारे हुए लोग भी हैं, आने वाला दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे, सब सीटें। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, वो डाउन नहीं हुए। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, रेल को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया, भारत से लेकर NCR सब जगह के लोग आए पढ़ने वालों ने बताया लोगों को कि घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा में आपने बदल दिया। मैंने बताया ये रेल, भारतीय रेल जर्सी काऊ है, इसको जितना धोइएगा, पोछिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, करप्शन से अलग रखिएगा, तो आपको पूरा दूध देता है। कागज 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने अर्न किया, डिविडेंड भी दिया भारत सरकार का रेल से, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों को, कर्मियों को। बहुत लोग को मालूम नहीं है ये मढ़ौरा का रेल भी का जो बिहार में कारखाना है डीजल इंजन बनाने का, वो मैं लाया। दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना खोला और चल रहा है। मधेपुरा में उस इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात दिया, पूरा किया, बहुत सारा काम दिया। रेल में फड़ा कम करते थे, और ये जो आप देखते हैं वो
ब्रिज सब ये सब मेरा बनवाया हुआ है, मेरा बनवाया हुआ है। आप अपना सूचना के अधिकार से पूछ लीजिएगा ये पूर्व में किसका किसका क्या योगदान है, अब बिहार सरकार का क्या योगदान है। 100% उसका अप्रोच और सब कुछ हमने बनवाया, लेकिन यह लोग प्रेरित देते रहे कि हमने ये बना दिया वो बना दिया, क्या बना दिया सो सबको मालूम है। बिहार का कितना विकास हुआ ये अभी भी खेतों में सीना भर पानी है, गेहूं नहीं होने का है, जल जमा हुआ पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं। गेहूं का जब नहीं निकलेगा तो धान तो हुआ ही नहीं, कुछ इलाकों में धान हुआ बाकी सब डूबा कर दिया। तो हम लोग बिहार को ही नहीं देश भर के किसानों को भी मैं बधाई देता हूं कि लड़े लोग, संघर्ष किए, लंबा संघर्ष, शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, हाथों किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई, अहंकार से अहंकार की हार हुई है। अहंकार की हार के बाद मैंने कहा बधाई देने के समय में मीडिया के लोग आए थे, हमें कहा कि अभी और इंतजार करिए, ये जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, और हमको लड़ना है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। जब समर्थन मूल्य में पैसा मिलेगा किसानों को तो इससे हमारे मजदूर भाइयों को भी फायदा होगा, फिर वो मजदूर को ज्यादा बनिहारी देंगे और उसके लिए सब कुछ संसाधन भी उसको मिलेगा, पक्का घर बनाएगा, आमदनी होगी तब न बनाएगा, तो मजदूरों को भी नहीं आमदनी है। तो समर्थन मूल्य लागू करो, कानून बनाओ, नई कानून बनाओगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे, राष्ट्रीय जनता का पूरा संघर्ष करेंगे। आपको अभी बताना चाहता हूं मैं कि मैंने कहा था कि मैं आता हूं तो बिहार के हर कोने में मैं जाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा कसर है, इलाज में करा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता कि मैं बैठा रहा हूं और इलाज कराते रहा, हमेशा आपके मन में आज मन किया तो पुराना जीप चलाते रहा, 5,000 में जीत लिए थे मिलिट्री कोटा से, उसको रंगा धुआ करके बढ़िया से रखे और जीप को आज सुबह में एक चक्कर मारा हूं। जब हम जीप चलाते थे तो हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं, मैंने हमको हिदायत देते थे प्यार से ताकि हम संभल के चलाए, ये स्थिति है। आप लोगों को पूरा अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा अखंड पिछड़ा पिछड़ा दबे कुचले समाज को हम लोग उम्मीदवार बनाए, इस पर बनाया भी गया, महिलाओं को भी, महिला समाज को भी काफी संख्या में हमारी बहने महिला पर ध्यान देना है, और ये मीटिंग होती है सभा आप लोग महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं, सभा में करता था तो महिलाएं जो दबी रहती है नजदीक से आके देखना चाहती, सुनना चाहती, सब कुछ खाली जो रहता था बैरिकेट उसको बुला के बैठाते थे, आगे से जहां भी मीटिंग हो सभा हो बुला के हमारी बहनों को माताओं को कुर्सी पर बैठाइए, और कुर्सी पर बैठा आधा वोट उनका है और आधा से ज्यादा वोट महिला देती है, दिलाती है, और उनको उनको हमको प्रोत्साहन देना है। और आप सब लोगों को मैं जगता जी को पुनः बधाई मैं देना चाहता हूँ कि ऑफिस का तो बदलाव हो गया है,
હોલ ભી વધારી ગયા મિટિંગ માટે. કાફી પરિવર્તન આપણે બધું થયા ઓર આગળ જવા જરૂરત હોય તો પરિવર્તન થયા જાગા ઇસમાં ઓર સુધાર જો ક્યા કર દીજિયેગા. લાઇબ્રેરી ભી બનાને કા જનતા જી બતાએ યાગના મેં જો આગળ હૈ ઇસમાં લાઇબ્રેરી બન જાયેગા જિસમાં કિતાબ હૈ કિતાબ રખા જાયેગા મેરે ઉપર હમારે નેતાઓં કે ઉપર જીતને ભી કિતાબ લિખે ગયા હૈ. એક લડકા મિલા થા બોલા થા કે જહાં જહાં ભાષણ કિયે હૈ વો સબ ભાષણ કો મેં સંગ્રહિત કરકે કિતાબ બના દિયા પઢિયેગા વો આયા હોગા બાદ મેં આયા બાંટેગા તો કિતાબ કહાં કહાં હમકો ખુદ માલૂમ નહીં કે હમ કહાં કહાં ક્યા બોલે થે નહીં સબ સંગ્રહ લે કે મેં અપના રખા હું દિલ્હી મેં ભી ઓર આપ લોગો ભી લેકે પઢિયે ભી શીખીએ યાની નિરય રહીએ નિર્ભિક રહીએ ઓર સરકાર તો બનની યાદ હૈ સરકાર તો બનના હી હૈ. ઇતના બડા તાકત કિસકા હૈ રાષ્ટ્રીય જનતા દળ કે મુકાબલા મેં કોઈ તાકત નહીં હૈ. ત્યાં તો પ્રપંચ કરકે લોગ હમેશા નિકલના ચાહતે હૈ કે બાય ઇલેક્શન થા કે બાય ઇલેક્શન મેં 95,000 વોટ મિલા બાકી જીત કી સ્થિતિ થી કુશેસર મેં ભી સારા બિહાર મંત્રીમંડળ મંત્રી એમપી ગામ ગામ લેકે સારી કપડા લતા પૈસા બાંટ રહે થે પ્રશાસન સબ લગા હુઆ થા. દરભંગા કે કલેક્ટર કો મેં ફોન કરતે જા રહી હૈ દરભંગા કે કલેક્ટર પતા નહીં કિસ મેટર કા બના હુઆ હૈ ફોન નહીં ઉઠા હૈ ઉઠાના ચાહીએ ફોન ક્યા હમ સૂચના દે રહે હૈ ક્યા લોગ સૂચના દે રહે હૈ. ઓર જતના ભી નરેન્દ્ર મોદી ને સ્કીમ દિલા કે દાલ દેને દાલ કહીં કિસી કો દાલ થોડી ભી રખ સકતી દિયા સકતા બોલતા કે હમારા રાશન દિયા તુમ્હારા રાશન હૈ એ તો સુપ્રીમ કોર્ટ ને ફેસલા લિયા થા યાદ કરો આપ લોગ સુપ્રીમ કોર્ટ સરકાર કો ડાયરેક્શન દિયા થા કે અનાજ જો સડ રહા હૈ સુહા ખા રહા હૈ સબ ગરીબો કો બાંટો ગરીબ ભૂખે હૈ દેશ કે ઉનકો બાંટીએ ઓર ઉસી સમય સે યુપીએ ગવર્નમેન્ટ કે દ્વારા અનાજ ગેહું ગરીબો કો બાંટના શરૂ હુઆ. યે બોલતે હૈ કે હમ બાંટે હૈ કહાં સે લાયે હો ખેતી કિયે હો કભી જે બાંટે હૈ સબ સ્કીમ હમ લોગ કા ભી કે ગેસ કા દામ બઢ ગયા બોલે તો ગેસ લિયા આ ચૂલા ગાયબ હૈ ગેસ કા દામ બોલે તાર 1,100 ઓર ડીઝલ કા દામ પેટ્રોલ કા દામ સૌ સૌ ઉપર હો ગયા. ઓર અભી ઉત્તર પ્રદેશ કા ચુનાવ હૈ પંજાબ કા ચુનાવ હૈ યે ચાલ ચલે લોગે 5 રૂપિયા કમ કર દિયા. ઈ 5 રૂપિયા કમ કરને સે ક્યા મને કહા રોલ બેક કરો રોલ બેક કરો જહાં સે ચલે થે વો દામ કરો. ડીઝલ કા દામ બઢેગા તો સારા મહંગાઈ બઢેગી સવા ચંપા મીડિયા કે લોગ અખબાર કે લોગ છટપટાતે હૈ રિપોર્ટ લેને કે લિયે સહી રિપોર્ટ લેકિન કે રાષ્ટ્રીય સ્તર કે જો ભી એડિટર હૈ માલિક હૈ વો નહીં ચલને દેતે. અગર ચલને દેંગે તો માલિકો કે અગર માલિકો કે ઉપર ઈડી કા કેસ તરહ તરહ કે પરેશાની કરને કા કામ હો રહા કરના કરને કા કામ હો રહા. ઇસલિયે સબ લોગ નિર્ભિક હોકર રહો અન્યાય કે ખિલાફ જેલ જાને કે ભી તૈયાર રહીએ. મીડિયા કરો અને કવરેજ માં કરો પત્રકાર દેશ કે વકીલ જો ઇકઠ્ઠા હો જાએંગે તો ફિર સરકાર કહાં રહેને વાલી હૈ. તો આપકો મેં બહોત બહોત ધન્યવાદ પુનઃ દેતા હું આભાર વ્યક્ત કરતા હું કે આપ લોગો ને હમ 2 દિન કે લિયે આયે થે આપ યે મોકા મુજે દિયા
कि अपने प्यारा लालटेन चुनाव चीज इतना बढ़िया बनाया है उसका उद्घाटन करने का मेरे हाथ में दिया। मैं आप सबको धन्यवाद आशीर्वाद करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।